जय श्री माता जी। हम आप सभी का सहयोग मेडिटेशन दूसरे दिन के सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आज के मेडिटेशन में हम लोग वापस रियलाइजेशन से शुरू करेंगे, फिर अपने सबटल सिस्टम को यानी जो हमारा शरीर है उसको उसके बारे में जानेंगे कि उसमें क्या है, नाड़िया चक्र क्या होते हैं, और ये जो हमारी कुंडलिनी जो हमारी एनर्जी जगती है आत्म साक्षात्कार में, तो उसको उसके अनुभूति को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए कुछ तरीके बताएंगे। और इस शक्ति को यूज करके इस शक्ति के द्वारा हम अपने आप को कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसे हम लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने आत्मा की अनुभूति और अपने जो अंदर में एनर्जी है उसको हम अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी है, उसे सेक्रम बोन कहते हैं, और वहां पे हमारी एनर्जी कुंडलिनी स्वरूप में बैठी रहती है, और उसे श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 को जागृत किए थे। और तब से अगर हम उनसे श्री माता जी निर्मला देवी से प्रार्थना मात्र करते हैं तो यह शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। इसकी अनुभूति हमें हमारे दोनों हाथों में ठंडी ठंडी या गर्म हवाओं के रूप में चित्त शांत होना और सिर के ऊपर से ठंडी या गर्म हवाएं का अनुभव होता है। ये पहली अनुभूति होती है कि हमारे अंदर ये शक्ति जागृत हुई है, और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए। बिना आपकी इच्छा के इस शक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग कुछ स्टेप्स करेंगे, और उस स्टेप्स को आप अपने हृदय से करिए और पूरे हृदय से श्री माता जी निर्मला देवी से मांगिए कि माँ आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। देखिए, ये आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मांग है, वही कार्य करती है। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं रियलाइजेशन। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि श्री माता जी की फोटो है। आप श्री माता जी की इस फोटो को देखिए, उनकी बिंदी को देखिए, और देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को सिर के तालु भाग में रखिए, जहां पे हमारा बचपन में सिर बहुत कोमल था, ठीक वहीं पर रखिए। और अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हृदय पर रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे, आंखें बंद, मन या चित्त सहस्त्रार अर्थात सिर के तालु भाग पे, और पूरे हृदय से पूरे कॉन्फिडेंस से कहिए, माँ मैं आत्मा हूं, माँ मैं आत्मा हूं। मन ही मन इस बात को कहिए, माँ
मैं आत्मा हूं। जब हम आत्मा हैं तो हम कोई दोष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा कोई दोष कर ही नहीं सकती है। तो हम कहेंगे, माँ मैं किसी भी चीज का दोषी नहीं हूं, माँ मैं किसी भी चीज का दोषी नहीं हूं। फिर हम कहेंगे अपने हृदय पर हाथ रखे हुए, चित्त को सहस्त्रार पर रखे हुए, पूरे हृदय से कहिए, माँ मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ, माँ मैं सब कुछ क्षमा करता हूँ, और खुद को भी क्षमा करता हूँ, और खुद को भी क्षमा करता हूं। देखिए, हम अगर क्षमा नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम क्षमा कर दें। लेकिन यह नहीं देखना है कि हम किसको क्षमा कर रहे हैं, क्यों क्षमा कर रहे हैं, बस साधारण हमें कहना है कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया और स्वयं को भी क्षमा कर दिया। हम परमेश्वर से भी क्षमा मांग ले, क्योंकि हमने तो सबको क्षमा कर दिया, तो हम प्रार्थना करेंगे माँ से, माँ अगर मैंने अपनी आत्मा के खिलाफ जानबूझकर या अनजाने में कुछ भी गलत किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। माँ अगर मैंने अपनी आत्मा के खिलाफ जानबूझकर या अनजाने में कुछ भी गलत किया हो तो कृपा मुझे क्षमा करें। अपनी आंखें बंद रखते हुए हम अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके सिर के सबसे तालु भाग पे रखेंगे। अपने दाहिने हाथ को सिर के ऊपर में तालु भाग पे थोड़ा स्ट्रेच करके और तालु भाग में रखेंगे और अपनी स्कैल्प को दबाते हुए 7 times क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 7 times क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और घुमाते घुमाते हम ये प्रार्थना करेंगे। विनम्रता से कहें, माँ कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। माँ
कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अपने सिर को माता जी के फोटो के सामने झुका लीजिए और 7 times क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाइए। सिर के स्कैल्प घूमनी चाहिए। बारंबार प्रार्थना करें, माँ कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। धीरे धीरे अपना हाथ गोद में ले लीजिए। और अपने चित्त मन को तालु भाग में रख के कुछ मिनट निर्विचार ध्यान में बैठे रहेंगे।
जय श्री माता जी। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलें और श्री माता जी की बिंदी को देखें। अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, बायां हाथ श्री माता जी की तरफ और अनुभव करें कि हमारे सिर से कुछ ठंडी या गर्म निकल रही है, महसूस हो रही है क्या। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो अपने दाहिने हाथ को नीचे लाएं और बाएं हाथ से चेक करें। ये क्या कुछ ठंडा गर्म महसूस हो रहा है। अपने दोनों हाथों को गोद में ले लें आप। अपने अनुभव है वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको गर्म ठंडा या कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, मन में शांति या उंगलियों के पोर पे कुछ अनुभव हो रहा है, जैसे छिन छिन या ठंडी। जो मैंने पहले हमको अनुभव नहीं होता था उससे कुछ नया आज अनुभव हुआ। तो ये अनुभव कुंडलिनी जागरण की पहली अवस्था है जिसमें हम कुंडलिनी माँ को अपने हाथों पे अपने सिर के तालु भाग पे महसूस करते हैं। अगला हम लोग का देखते हैं कि हमारे जो सबटल जो शरीर है उसके क्या क्या अंग है, कैसे यह शरीर बना हुआ है और कैसे ये हमें इम्पैक्ट करता है। तो आपके सामने जो है अभी एक ह्यूमन सबटल सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बाएं में एक ब्लू कलर की लाइन गई हुई है जो नीचे से ऊपर गई हुई है, फिर दाहिने में एक पीली कलर की लाइन है जो नीचे से ऊपर गई है और एक बीच में लाइन है। तो जो बाएं में है नीले कलर में उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नाड़ी हमारी इच्छा की इच्छा को प्रदर्शित करती है। जो दाहिने में पीली कलर से दर्शाई हुई लाइन है वो हमारी क्रिया शक्ति है,
जिसे हम राइट सिंपथेटिक नर्व सिस्टम या पिंगला नाड़ी कहते हैं, और जो बीच से लाइन गई है ऊपर, आप देख सकते हैं मैं उसको चिन्हित कर रहा हूं माउस से, ये सुषुम्ना नाड़ी है जिसे हम पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट की है, जो ब्लू वाली कलर है, कलर की लाइन है, वो हमारी इच्छा को दर्शाती है। जो हमारी दाहिने साइड में नाड़ी है वो हमारी क्रिया शक्ति को दर्शाती है। लेकिन इच्छा और क्रिया दोनों के मध्य में जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सुषुम्ना नाड़ी है। जो लेफ्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट से आ रही कोई भी तकलीफ है और डिजायर, इमोशन, सुपर ईगो, ये सारा हमारा लेफ्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और राइट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से जो पिंगला नाड़ी है वहां से हमारे फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, एक्सेसिव प्लानिंग, अग्रेशन और ईगो ये रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों जो नाड़ी तंत्र हैं उसमें क्या है कि हम बाएं से इच्छा करते हैं और दाहिने से कार्य करते हैं, लेकिन जब हम अपनी इच्छा और कार्य दोनों से परे होते हैं तब हम मध्य में आते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। तो ये हमारी तीन नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे सेप्टल सिस्टम को चलाती है, और इनमें कोई इम्बैलेंस होता है तो हमारे अंदर तकलीफें आती हैं। तो उन तकलीफों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही जाने कि हमारे अंदर में तीन नाड़ियां हैं, लेफ्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ईड़ा नाड़ी, राइट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पिंगला नाड़ी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी। अब इन नाड़ियों के ऊपर में सात चक्र हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र, हृदय चक्र, उसे हम अनाहत भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, और सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र को मेडिकल में पेल्विक प्लेक्सस भी कहते हैं, ये हमारे इनोसेंस और विजडम को कंट्रोल करता है। तो हमारा मूलाधार अगर जागृत रहेगा तो हमारे अंदर इनोसेंस और विजडम रहेगी, ये हमें प्रदान करता है। जो शरीर का दूसरा चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे मेडिकल में हम ऑरोटिक प्लेक्सस कहते हैं, जो हमारे अंदर जागृत होने पे क्रिएटिविटी, प्योर अटेंशन और प्योर नॉलेज, शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या हमें प्रदान करता है। जो हम विद्या जानते हैं वो सही है कि नहीं है वो हमें नहीं मालूम है, पर कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हम इस चीज को परख सकते हैं कि हम जो जान रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसके बारे में हम लोग अगले सेशंस में बात करेंगे और डिटेल में। तीसरा चक्र है हमारा, वो है नाभि चक्र, जिसे मेडिकल में हम लोग कोइलियक प्लेक्सस बोलते हैं, जो हमारे अंदर जेनरोसिटी और कंटेनमेंट, उदारता को प्रदर्शित करता है और संतुष्टि प्रदान करता है। हम हमेशा कुछ न कुछ चीज खोजते रहते हैं और जो भी प्राप्त करते हैं उससे जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र में आती है और हमें अपनी शक्तियों को प्रदान करती है तो हमारे अंदर उदारता और संतुष्टि आ जाती है। शरीर का जो चौथा चक्र है वो है हृदय चक्र। हृदय चक्र को मेडिकल में कार्डियक प्लेक्सस बोलते हैं। जो कार्डियक प्लेक्सस है इंटरनेट में कोई असुविधा आ गई थी। चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस।
जो हमारे अंदर क्षमा, उदारता और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव जागृत करता है। शरीर का पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में सर्वाइकल प्लेक्सस बोलते हैं, जो हमें प्योर रिलेशनशिप और परम तत्व से, जो इस विराट का विराट है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसे हमें जोड़ देते हैं। शरीर का जो छठा चक्र है वो है आज्ञा चक्र, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ऑप्टिक प्लेक्सस बोलते हैं, जो हमें क्षमा की शक्ति प्रदान करता है। और शरीर का जो सातवां चक्र है वो हमारे सिर के सबसे ऊपर भाग पे है, जिसे हम लिम्बिक एरिया ऑफ ब्रेन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। ये वो चक्र है जो हमारे जीवन का एक लास्ट माइलस्टोन है। ये ह्यूमन अवेयरनेस जो हमारी मनुष्य की जो को प्राप्त करने के, जो जो हम लोग इस शरीर में आए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो वास्तव में हमें क्या खोजना है ये नहीं पता है, पर श्री माता जी की कृपा से ये शक्ति जब जागृत हुई तो हमें ये महसूस हुआ कि ये जो सहस्त्रार चक्र है यही हमारा लास्ट माइलस्टोन है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन का, ह्यूमन अवेयरनेस का लास्ट माइलस्टोन है। तो सहस्त्रार चक्र हमारा लास्ट माइलस्टोन है ह्यूमन अवेयरनेस का, हमारे विकास की प्रक्रिया में। तो ये थे हमारा सूक्ष्म तंत्र, जो शरीर है। शरीर में तीन नाड़ियां और सात चक्र, और चक्रों के नाम क्या है, उनका मेडिकल टर्म्स में क्या नाम बोलते हैं, और इनकी क्वालिटीज क्या है। अब हम लोग अगले पड़ाव पर चलेंगे, डेली मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन में हमको सुबह और शाम 10 से 15 मिनट ध्यान करना है। तो सुबह के समय में हम लोग श्री माता जी की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप उस फोटो को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सेव कर लीजिए और उसे सुबह उसके सामने दोनों हाथ खोलकर बैठ जाइए और पूरे हृदय से परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए कि परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचार कर दीजिए। और ये कहते हुए अपने चित्त को, मन को अपने सिर के तालु भाग पर रखिए और कुछ भी न सोचिए। अगर मन में कोई विचार आता है तो परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करिए कि माँ ये हमें नहीं चाहिए, ये विचार हमें नहीं चाहिए, हमने सबको क्षमा कर दिया। और जैसे आप कहेंगे तो देखेंगे कि दोनों हाथों से और सिर के ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं या गरम गरम हवाएं आपको महसूस हो रही हैं। 10-15 मिनट, जितना कम से कम 10 मिनट आप बैठिए, अगर आपको अच्छा लगे तो और ज्यादा देर आप बैठ सकते हैं। शाम का मेडिटेशन में एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, जिसे हम फूड सोक कहते हैं, यानी जल क्रिया। जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि एक ह्यूमन कुर्सी पर बैठे हुए हैं और नीचे में एक टब में अपने दोनों पैर रखे हुए हैं। तो हमें फूड सॉकिंग के लिए क्या करना है कि फूड सॉकिंग के लिए एक टब ले लेंगे, उसमें अपने जो फुट है वो जितना पानी में डूब जाए उतना पानी ले लेना है, और दो मुट्ठी नमक वो पानी में डाल दीजिए और फिर श्री माता जी को प्रणाम करके अपने दोनों हाथ श्री माता जी के सामने खोल के अपने पैरों को उस जल में डाल दीजिए। एक और कार्य करेंगे इसमें कि श्री माता जी के सामने उस समय एक कैंडल जला लीजिए। एंड क्या है कि हमारा शरीर जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, तो वो पांचों तत्वों को सामने रख के अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आत्मा। तो पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन करता है नमक, जल है सामने, अग्नि हो गई आपकी जो आपने कैंडल जो जलाई है या कोई भी रोशनी कर लीजिए
जो दीप हो, मतलब बल्ब नहीं हो, रोशनी हो, तो मोमबत्ती हो या कोई दीप जला लीजिए। और आकाश जो वायु तत्व है हमारे चारों तरफ फैला हुआ, आत्मा हमारे अंदर है और हमारे सामने श्री माता जी की तस्वीर है, तो ये सारे तत्व मिलकर हमारे शरीर में जो भी इम्बैलेंसेस है, जिस भी तत्व का कमी रहता है या ज्यादा रहता है, वो इस क्रिया में संतुलन में आ जाता है। और इस क्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट करें। उसके बाद जब ये 10 से 15 मिनट हो जाए, आप देखेंगे कि ये क्रिया को करते समय आपके दोनों हाथों में जो वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी है, मतलब जो हवाएं जो आपके हाथ से जो कूल और हॉट ब्रीजेस आपको फील हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और आपका चित्त में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार धीरे धीरे रुक जाएंगे और आप निर्विचार हो जाएंगे। फिर 10 मिनट के बाद आप अपना एक लोटा स्वच्छ जल भी आप रखें, उसका पहले उससे अपने दोनों पैरों को धो लें, और जो वो टब का पानी है उसको अपने टॉयलेट में फ्लश कर दें। ध्यान रखें वो किसी के शरीर में वो टच ना करे, क्योंकि उसमें आपके शरीर की सारी निगेटिविटी गई हुई है। तो उसे अपने टॉयलेट में फ्लश कर दें, फिर अपने आके वापस श्री माता जी के सामने बैठ जाएं और कम से कम 5 से 7 मिनट ध्यान करें, क्योंकि आपकी शरीर की सारी निगेटिविटी निकल चुकी है, तो आपका ध्यान और अच्छा होगा। तो इस तरह से हम सुबह और शाम ध्यान करेंगे। सुबह में नॉर्मल श्री माता जी के फोटो के सामने दोनों हाथ खोल लीजिए, और शाम को फुट सॉकिंग, उसके बाद ध्यान।